सकती है राजू के साथ मारपीट करने के मामले में एसआई, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल इन सबको निलंबित कर दिया है। क्या पुलिस भी इस कार्रवाई से आप खुश हैं? नहीं नहीं नहीं, संतुष्ट नहीं है। मर्डर केस के लिए जो सजा होती है वो सजा होनी चाहिए, जो सजा होनी चाहिए वो सजा होनी चाहिए उनके लिए, मर्डर केस के लिए। आप किस तरह से कोर्ट में पीछा करेंगे, क्या करेंगे, कहां तक सजा दिलाना चाहते हो? फांसी सजा सब हम करवाना चाहते हैं, फांसी की सजा दिलाना चाहते हैं, तो इसके लिए कोर्ट में लड़ना पड़ेगा जी, लड़ेंगे कोर्ट में, लड़ेंगे लड़ेंगे तैयार शासन से भी लड़ेंगे। आप किस तरह से, हम लोग जो थाने में जो तीन लोगों को इन्होंने कहा है हमने सस्पेंड किया है, सस्पेंड करने की बात नहीं है, इनको निष्कासित किया जाए, इनके खिलाफ 302 के मुकदमे दायर कर इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको मतलब जो है प्रोसीडिंग से मतलब जो है पूरी तरह से पुलिस कर्मियों के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज अभी उनके नाम से नहीं हुआ है, अज्ञात में हुआ है, लिहाजा इनके नाम से मुकदमा दर्ज हो और इनको अरेस्ट किया जाए, इनको निष्कासित किया जाए। ये इस पद के लायक नहीं है, इस विभाग के लायक नहीं है, जिस पुलिस के ऊपर पूरी जनता को सुरक्षा का जिम्मेवार है वो जिम्मेवारी ना करके इन्होंने का तोड़ते हुए एक बच्चे को जिस ना मतलब माँ के सामने बुरी तरह से पीट करके मार डाला हो, ऐसे पुलिस कर्मियों को तो फांसी की सजा तुरंत दी जानी चाहिए। जैसे आप उस दिन वहां गए थे, आपके सामने मारपीट की थी, मेरे सामने ऐसा था, बिल्कुल जान निकाल दी थी मेरे से, कहा वो मेरा बेटा ये कह रहा था टॉयलेट आ रही है, टॉयलेट को उसको पकड़ के फिर ले गए, फिर मेरे से ये कहा था कि यहाँ तू बैठ गया, यहाँ मुकदमा केस के लिए लिखे जाते हैं, वहां बैठा दिया नो करके जम तम तम तभी तोड़ दी, ऐसा था दम तोड़ दी थी, मेरे बहन से ही उसको खींच के ले गए, गाड़ी में डाले गए, इसको ले चलो तब लेके गए, तब लेके गए हॉस्पिटल से, फिर खाने पे लाए कि नहीं लाए? नहीं लाए। आपको फिर क्या बताया हॉस्पिटल में जाने? इनको तो घर पहुंच गए, मेरे को शाम को 6 बजे घर लाए, आपको घर गाड़ी से नहीं, पुलिस की गाड़ी से ही घर भेजा गया था। क्या कहा था आपको घर जाने के लिए? तुम चलो आप घर जाओ, आप घर चले जाओ, घर छोड़ दिया इनको यहाँ पे, और मतलब जो है उसको अस्पताल के खिलाफ आपने जो जिसने पकड़ के दिलवाया था पुलिस को उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी, वो कहां है अभी? वो फरार है, वो फरार है, सारे लोग फरार हैं, सब पुलिस की मिलीभगत से फरार है, अंशु की मां और सब फरार है। मृतक की घोषणा की है तब मतलब जब मोबाइल लाके दिया, जब मोबाइल लाके दिया है मैंने कहा मुझको मोबाइल तो दे दो, वो बोलेंगे कि पुलिस के पास है, पुलिस के पास नहीं था वो, उसके पास ही था महिला के पास अंशुल की मम्मी, पढ़ा था कि इसे पकड़ के लेके किसने बताया था? अंशुल की मम्मी ने, अंशुल की मम्मी ने क्या बताया था? वीडियो कैसेट यहाँ लाके नहीं है, अंशुल ने दिखाई थी, उसमें क्या दिखाया था? उसमें ये लिखाया गया था कि ज्वेलर चोरी लेकर गया है, यहाँ पे जेलदारी का काम करता था, 2-8 दिन करे आया, मैं घर में बैठ गया, इस तरह से मेरा खर्चा चलता था, अब मेरा सारा लूट गया, मेरा कहां से करूं।